हेलो गाइज, मैं अविनेश चौहान। तो भाई आज 28 फरवरी और भाई अपनी गाड़ी को भाई मतलब कि 4 महीने बचे हैं, 2 साल पूरा होने में, और अपनी गाड़ी चल चुकी है 40,000 किलोमीटर, यानी कि अपनी गाड़ी की 6th सर्विस होनी है आज। और मैं आपको एक बार इसका किलोमीटर दिखा देता हूँ, मैंने आपको एक बार इसके, और इसमें कई सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गई है इसमें। मैं आपको इसके एक किलोमीटर दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो ये 39,458 किलोमीटर। तो भाई इसको आज हम लेके जा रहे हैं गुड़गांव और सोना के बीच में पास को एक, जहाँ पे आपको नेक्सा वगैरह का अरेना का सारा शोरूम मिल जाता है, उधर ही वर्कशॉप वगैरह उनकी। तो आज वहाँ लेके जा रहे हैं, इस बार ना इसकी सर्विस हम वहाँ कराते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है, एक तो इसमें नीचे के जो इसके प्रोटेक्शन कवर वो टूट गए हैं इसके, मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में, एक आगे से टूट गए प्रोटेक्शन कवर इसके, एक इसके बम्पर में थोड़ी दिक्कत आ गई है, यानी कि इसमें कई कमी है, वो मैं आज सारी इसमें क्लियर करा दूंगा। क्योंकि आपको पता कि भाई बार बार मतलब कि अपनी गाड़ी उधर जाएगी नहीं, एक बार में ऐसा अपनी जाएगी तो अपना सारा काम हम क्लियर करा लेंगे। जैसे मैंने इसकी मतलब यहाँ से लगी थी, मैंने बताई थी आपको पहले, यहाँ से इसमें एयर आती है, यहाँ से ना इसमें एक इसकी जो मतलब कि गाड़ी अपनी 120 ऊपर जाती है, तो उसका हैंडल है ना वो थोड़ा वाइब्रेट सा करता है। अब अलाइनमेंट वगैरह की दिक्कत है क्या है वो मैं सारा कुछ दिखा लूँगा उसमें। तो अब चलते हैं सीधा पास्को। यहाँ पे दोनों शोरूम पास मिल जाते हैं, अरेना के भी और नेक्सा के भी। गेट उधर है, गेट उधर करे पर ये करना नहीं पड़ेगी। वो वाला गेट लगा वाला यू एग्जिट होगा। हाँ वो ग्रीन वहाँ पे तो भी अभी आगे हम पास्को में पहुंच चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 12:10। तो भी देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं ये, एक बार मतलब अपनी गाड़ी की दिक्कत बतानी होगी। मुझे तो लगता नहीं कि आज गाड़ी दे देंगे करके, क्योंकि गाड़ी में कई सारी दिक्कतें हैं तो सारी क्लियर करानी है एक बार में, एक बार बार तो आ नहीं जाएगा। तो देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं, 12:10 हो गए हैं अभी, अब एक बार अंदर चलते हैं। एक तो ना यहाँ से आप ये देखो, यहाँ से प्रोटेक्शन कवर है जो अपना ये टूटा पड़ा है यहाँ से, एक इसका प्रोटेक्शन कवर है जो इसका इंजन का, एक इसमें दिक्कत है यहाँ पर, ये रहा यहाँ से हो गया। प्रोटेक्शन कवर तो ना बहुत हल्के हैं इसके, एक इसके साइलेंसर में दिक्कत है, बताई थी मैंने आपको। एक से इसका जो स्टेयरिंग है, जैसे गाड़ी अपनी 100 ऊपर जाती है ना तो स्टेयरिंग इसका वाइब्रेट करने लगता है, स्टेयरिंग और पूरी गाड़ी वाइब्रेट करने लगती है। तो देखते हैं कि इसमें मतलब कि कितना टाइम लगाते हैं, साइलेंसर वगैरह देखते हैं, चेंज करते हैं, क्या करते हैं, सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो भाई इसके आ चुके सर्विस एडवाइज़र भाई, वो गाड़ी कर रहे हैं चेक उधर, वो भाई फिर उनको बताएंगे कि इसमें क्या क्या दिक्कत है। यहाँ पे बड़े वाले भाई हैं, वो उनको समझा रहे हैं सर्विस एडवाइज़र को प्रॉब्लम इनको। जो पैसे ब्रेक की होती ना, तो आप ब्रेक लेते हो जब करेगी वाइब्रेशन, बाकी जैसे गाड़ी आपकी चल रही है 80-100 पे जाके ये करती होगी ना इसे, तो बैलेंसिंग करवानी पड़ेगी भाई आप। और जो ब्रेक पकड़ती है कैसे करती है, ब्रेक की प्लेट व्लेट चेक करनी पड़ेगी, ब्रेक पैड होते हैं ना प्लेट होती है जो, उनको ऐसे करते हैं। ये कुछ हो गया इनका एस्टीमेट, ना तो भी इन्होंने जो एस्टीमेट बनाया है वो बनाया है इन्होंने 7700 के अराउंड है, यानी 7700 के अराउंड है। तो भी देखते हैं कि अभी मतलब कि इसमें कितना काम होता है, क्या क्या इसमें
मैंने दिक्कत है साइलेंसर की, कि उसको इंश्योरेंस में कराते हैं, छोटा मोटा काम हो तो उसको अच्छे करा देंगे, लेकिन ज़्यादा दिक्कत हुई तो उसको ना फिर हम इंश्योरेंस में कराएंगे। अभी अपनी गाड़ी लगी हुई है वॉशिंग के लिए, वॉशिंग के लिए यहाँ पे लग रहा है अपनी गाड़ी का नंबर। यहाँ पे देखो इतनी गाड़ी भी लाइन में है अभी। आगे सही है जी। हाँ से आवाज आ रही है इसमें से ना ये। कैंटीन देखो, कैंटीन कितनी अच्छी है इनकी, चाय चालू हो जाए गुड आइडिया। तो कितनी अच्छी कैंटीन है इसकी। यहाँ मंगाया हमने पनीर सैंडविच, तो इसका टेस्ट देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा। अभी खा के टाइम पास करना पड़ रहा है, टाइम हो गया अभी, चार बज चुके हैं अभी हमारे यहाँ पे 12 बजे के। इसके बाद देखते हैं कि अपनी गाड़ी में क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। पूरी अपनी गाड़ी वहाँ पे, पूरी उधर दिखाऊँगा पूरी 430W3136DR, चारों टायर खोले पड़े हैं इसके, द्रव इंजन में ऑयल वगैरह डाल रहा भाई वो, अलाइनमेंट बैलेंसिंग सारा कुछ करवा रहे हैं, तो इसलिए चल रहा काम इधर इधर ना चाय उधर अपना। तो भी अभी देखो मैं टाइम दिखाता हूँ, अभी हो गए हैं 6:30, और अभी अपनी गाड़ी कंप्लीट हुई है, इसके मैं टेस्ट ड्राइव वगैरह ले लिए हैं। तो भाई इसमें आपको मैं बताऊंगा कि इसमें ना आपको यहाँ से देखो, यहाँ से इसकी जो प्लेट है ना, एक तो प्लेट चेंज होंगी इसकी, जो इसकी स्टेयरिंग के वाइब्रेशन की थी, बाकी जो अपनी गाड़ी 120 ऊपर जाकर वाइब्रेशन कर रही थी वो है बंद। हो साइलेंसर में भाई ये बोल रहे कि मतलब अपनी गाड़ी 40 से चल चुकी है, तो इसलिए मतलब कि उसमें साउंड वगैरह थोड़ी बन रही है, क्योंकि नई गाड़ी में आपको पता है कि नई गाड़ी में साउंड कहाँ आती है, 40 साल चलने के बाद तो भाई थोड़ी बहुत साउंड आएगी, बाकी मतलब हम चेंज कराना चाहें तो चेंज होगा नहीं ऐसे वारंटी में ये, क्योंकि अगर कोई दिक्कत आती तो तब चेंज होता है ना। बाकी भी मैं बताता हूँ आपको यहाँ से बाहर निकल के, तब मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ। 6:30 भी हो गए हैं, तो अभी मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। अभी टाइम हो गए हैं 6:40, और भाई यहाँ पे ना अंधेरा हो गया यहाँ पे बिल्कुल। तो अभी हम चलते हैं घर के लिए, भाई अभी अपनी गाड़ी का काम है जो कंप्लीट हुआ है, तो आपको ना आगे चल के दिखाता हूँ। पहले मैं एक बार यहाँ से निकल लूँ, पहले एक बार तब आपको मतलब पूरा रिव्यू बताऊँगा आपको पूरा। तो अभी हम आ गए हैं KMP पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ स्पीड इसकी 90 है। तो देखना जो मतलब पहले वाइब्रेशन कर रही थी ना ये 100+ है, तो अभी बिल्कुल भी नहीं कर रही है, बस कर रही थोड़ी सी ये ब्रेक लेने पे। वो क्या कि जो व्हील है जो उसमें डिस्क पैड लगे होते हैं उस व्हील पे स्क्रैच बन गए हैं, तो उस वजह से कर रहे हैं वो। बाकी देखो ऐसे 100 ना, तो मतलब बिल्कुल भी 1% वाइब्रेशन फील नहीं हो रही बिल्कुल भी। यहाँ पे भी मैं KMP के थ्रू आ रहा हूँ ऐसे 100 से अपना पलवल जो अपना KMP अपना ये, क्योंकि ये ठीक पड़ता है, टूल तो लगता है इस पर, बट की है कि रोड ठीक है ना, इसे तुम पैनिक ब्रेक लेंगे तब हल्की सी वाइब्रेशन फील होगी। बाकी वैसे 120 140 कितनी भगा लो वैसे मतलब कि बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं हो रही, क्योंकि मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी, और इस हिसाब से ट्रक वगैरह निकल जाए मैं फिर इसको एक बार खींच के दिखा दूँगा आपको एक बार। अभी मैंने चढ़ाई थी ना 140 जब टेस्ट करी थी, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन तब वाइब्रेशन नहीं करी थी, उसके बाद सोचा मैं चलो वीडियो बना के ना एक बार दिखा देता हूँ एक बार। मैं व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट वगैरह सारी कुछ हुई है। अभी देखो 100 पे ना, तो पहले तो मतलब कि ना 100 पे करने लगती थी पहले, तो अब देखो 100 पे तो बिल्कुल भी 1% वाइब्रेशन फील नहीं हो रही इसमें ना, क्योंकि अलाइनमेंट वगैरह बैलेंसिंग वगैरह सारी उन्होंने कर दी है, बट थोड़ी जो वाइब्रेशन हो रही है वो हो रही है एकदम पैनिक ब्रेक पे। अब देखो 110 बिल्कुल भी मतलब वाइब्रेशन फील नहीं हो रही बिल्कुल भी ना, 120 पे बिल्कुल ही मतलब फील नहीं हो रही, 120 ऊपर गई है मतलब बिल्कुल ही फील नहीं हो रही। बाकी ना मैं आपको आगे चल के मतलब कि फिर पूरी डिटेल में समझाता हूँ आगे, बाकी ना आगे चल के मैं आपको। तो भाई अपनी वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है, और भाई फ़ोन की बैटरी हो चुकी है बिल्कुल डाउन, तो भाई फ्लैश वगैरह जल नहीं रही, तो इसलिए भी मैंने जलाई केबिन की लाइट, ताकि जो मतलब बिल वगैरह जो भी अपना क्लियर दिख जाए। इसमें क्या का काम हुआ वो दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे उसमें एड्रेस है आप यहाँ से देखो, इसमें जैसे इसमें ग्रीस होगी, कूलेंट होगी, इसके जो व्हील अलाइनमेंट है वो होगी, पलक हो गए, ब्रेक फ्लूइड हो गया, फिल्टर हो गए, यहाँ पे कुछ सामान अपना और कुछ सामान है इधर यहाँ पे अपना, यानी कि जो टोटल बिल बना था वो बना था 9,240 रुपये का। और मैं इनका एड्रेस वो दिखाऊँ, एड्रेस इनका यहाँ पे ही रहा अलीपुर सोना, यहाँ पे मैंने हाथ रख रखा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा अपना पर्सनली एड्रेस वगैरह है।
तो ये पेट्रोल कार के हिसाब से ना भी काफ़ी महंगी सी लगी सर्विस ना मेरे को। यहाँ पे मैंने ये है स्लिप जो मैंने मतलब अपनी पैसे पेमेंट करी थी 9,240 रुपये की। वैसे 10,000 कुछ का था लेकिन कुछ मतलब कि 900,000 रुपये के अराउंड पैसे अपने मतलब कि उन्होंने कम कर लिए थे। तो भाई जो उसमें काम हुआ था इसकी जो सर्विस थी वो थी जो इसकी साउंड थी उसकी साइलेंसर की, तो भाई वो तो बोल रहे हैं कि मतलब कि जैसे गाड़ी चल रही पुरानी हो रही तो भाई इसलिए हो रही है। वो एक जो अपना 100 से ऊपर अपनी गाड़ी वाइब्रेशन करती थी वो नहीं कर रही है, उन्होंने अपने ग्रीसिंग वगैरह की थी। अब तो भाई इसके मतलब जो डिस्क पैड के वहाँ पे वो होते हैं ना जो वो व्हील सा होता है वो व्हील से मैं स्क्रैच से पड़ गए हैं, तो भाई वो तो व्हील ही चेंज होंगे। तो उसका एक का प्राइस है 1500 रुपये, यानी कि दोनों का प्राइस है 3000 रुपये। तो बोल रहे कि मतलब बाद में डलवा लेना, ये कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है अभी, क्योंकि उसके साथ डिस्क पैड भी चेंज होंगे। क्योंकि डिस्क पैड तो मैंने अभी गिरवाए हैं 35 किलोमीटर पे, और जो अपनी गाड़ी चली है वो चली है अभी 39,528 किलोमीटर, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आप। तो भाई मैंने क्या अपना आराम से फिर अपना बाद में कराएंगे, वरना ना अभी कोई इतनी ज़रूरी नहीं होगी। डिस्क पैड तो मैंने अभी नए डलवाए हैं। अब इसमें दिक्कत क्या रहेगी मैं वो बताता हूँ मैं आपको। अब जो इसका स्टेयरिंग है आप इसको मतलब 150-160 कितनी भगा लो कोई दिक्कत नहीं, वाइब्रेशन नहीं कर रहा। अभी मैंने 140 तक चलाई है ये, अभी मत सर्विस करा के आया था मैं तब, तो 140 पे इसने बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं करी है। जैसे मतलब पहले अपना ब्रेक वगैरह लेते थे ना एकदम पैनिक ब्रेक लेते थे तो थोड़ी वाइब्रेशन सी करती थी, अब वो वाइब्रेशन भी कम हो गई है। काम तो लगा इनका ठीक, बट इनकी जो वॉशिंग थी ना भाई वो बहुत वाई है क्वालिटी की लगी मेरे को इनकी। यानी कि लगा लो जैसे मैंने गाड़ी दी थी ना बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही मतलब मेरे को मिली गाड़ी, 1% भी नहीं कि गाड़ी बिल्कुल साफ होगी। पता नहीं कैसी तो धोई है जिन, कैसी नहीं धोई पता नहीं भाई, राम जाने। इन्होंने रबड़ पेंट भी किया था नीचे इन्होंने। तो भाई ओवरऑल मेरे को सर्विस तो लगी ठीक, बट ये कि थोड़ा सा ना प्राइस थोड़ा सा मतलब मेरे को महंगा सा लगा। पेट्रोल गाड़ी की मतलब की सर्विस 10,000 प्लस जा रही थी, बट उन्होंने 1,000 रुपये डिस्काउंट कर दिया 900,000 के अराउंड, तब ये 92 से कुछ किए 92-40-60 की कितने की जितने जो भी मैंने दिखाया आपको। तो भाई मेरा एक्सपीरियंस तो भाई सर्विस के मामले में ठीक है, बट थोड़ा प्राइस मेरे को ना थोड़ा सा ऐसा ही लगा इनका ना थोड़ा ओवर सा। जिन्होंने सर्विस के अपने चार्ज लिए थे लेबर के वो उन्होंने 1500 के अराउंड बताए थे, बाकी अपने बिल में देख लिया। तो भाई ऐसा था मेरा कुछ एक्सपीरियंस डिजायर का अपना 6th सर्विस का, जो कि मैंने अलीपुर में कराई थी। या सोना से आप गुड़गांव की तरफ जाओगे ना तब आप 3-4 किलोमीटर चल के लेफ्ट साइड में पड़ेगा आपको पास को कहाँ, वहीं नेक्सा का भी और अरेना का भी है। तो भाई काम तो उन्होंने किया ठीक, मतलब मैंने अपने आगे कराया है। वो वैसे कस्टमर को ज़्यादा देर खड़ा नहीं होने देते वहाँ पे, लेकिन मैं आगे 10-5 मिनट वहीं पे चक्कर लगाता रहा, क्योंकि भाई अपने जो काम अपने आँखों के आगे करा लोगे ना वो पीछे से नहीं करते वो काम ना, हमें कोई दिक्कत दिखती तो हम तुरंत बता देते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, उन्होंने ना एक तो मेरे को छोटी सी तौलिया होती है गाड़ी साफ़ करने की वो दी थी फ्री में, एक जैसे यहाँ पे लटका हुआ यहाँ पे फ्रेश एयर का एक ये दिया था, एक मेरे को केबिन की पॉलिश दी थी। यानी कि मैं इनको ऑल ओवर लगाऊँ तो 300 रुपये का इन्होंने मेरे को गिफ्ट है जो उन्होंने वो कर दिया है। तो भाई बस मेरे को थोड़ा सा प्राइस थोड़ा सा महंगा लगा, बाकी काम वगैरह उन्होंने ठीक किया है। बाकी बोला कि अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप गाड़ी को मतलब कि कभी भी ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई कमेंट कर कमेंट सेक्शन जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।